तो देखिए फ्रेंड्स, आज बनाने जा रहे हैं गंठिया। तो गंठिया देखिए, एक तो मैं इनसे ही बनाती हूँ, गंठिया और पापड़ी। तो दोनों को बनाने के लिए कोई भी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर लीजिए। तो मैंने 1 कप बेसन लिया है, तो ये देखिए 1 कप इसके अंदर और डाल देती हूँ। तो टोटल मैंने 2 कप बेसन ले लिया है, और बेसन को छान के ले लेते हैं, क्योंकि छान के लेते तो कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह, जैसे कोई मोटे दाने होते हैं, वो भी इससे हट जाता है, निकल जाता है। तो सबसे पहले कोई भी आप बेसन लो, मार्केट से लाए हो या घर पे पिसा हुआ बेसन हो, उसको छान लीजिए। तो ये देखिए बेसन छान की तैयारी के लिए, अब इसके अंदर डाल देती हूँ 1/2 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा डाली मैंने काली मिर्च, और अब डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को क्या क्या हाथों से अच्छे से कर्स करके डाल दीजिए, क्योंकि इसमें और कोई मसाले नहीं डाल रहे, तो अजवाइन का इनका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और काली मिर्च थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप तीखा खाना पसंद करते हो, तो थोड़ी सी और डाल दीजिए। और 1 चम्मच डाल दिए इसके अंदर कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को भी मैं हाथों से इसको मैश करके डाल दिया। अब ये लिए मैंने ऑयल, तो कोई भी आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, और अच्छे से इसको गर्म कर लेते हैं। तो देखिए, एक केवल सरसों का नहीं लेना है, सरसों का हटा के आप और कोई भी ले सकते हैं, जिसमें स्मेल वगैरह नहीं है वो ले सकते। तो ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लेना है, और गर्म करके अब इसके अंदर डाल देते हैं हींग। तो देखिए चुटकी से देखें तो मैं 2 चुटकी, थोड़ी सी और है तो 2-3 चुटकी ये हींग मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो 2 चुटकी मैं इसके अंदर डाली, 1 चुटकी मैं डायरेक्ट सीधी बेसन के अंदर डालती है। अब इसके अंदर डाल देते हैं 1/2 टीस्पून, 1/2 चम्मच इसके अंदर डाल देते हैं बेकिंग सोडा। तो 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं, और बेकिंग सोडा डाल के इसको अच्छे से देखिए मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से देखिए बेकिंग सोडे के एकदम बुलबुले से इसके अंदर आ रहा है। तो अब गरम गरम तेल आप इसके अंदर डाल दीजिए बेसन के अंदर, और चम्मच से कर दीजिए मिक्स, क्योंकि अभी हाथों हाथ आपको हाथ नहीं टच करना है, क्योंकि तेल गर्म है। तो एक बार ये गरम डाल के और चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इस तरीके से आप एक बार गंठिया और या पपड़ी दोनों भी बना सकते हैं, और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्टी बन की तैयारी होगा, जैसे मार्केट से कई गुना अच्छा बन की तैयारी होगा। तो ये देखिए चम्मच से पहले इसको मिक्स कर देती हूँ। तो अब देखिए चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया, और ये 1 कप मैंने पानी ले लिया। तो गुनगुना मैंने पानी लिया, ना ज़्यादा गर्म ना हो ठंडा, तो गुनगुना पानी ले लिया। और 2 कप बेसन लिया था, तो इसके लिए मैंने 1 कप, उसी कप से मैंने 1 कप पानी लिया। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसका एक डो लगा के तैयारी कर लेते हैं। तो एक बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है कि ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है पतला हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से आटा लग के तैयार है। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, पहले हल्दी डालने भूल गई, तो 2 चुटकी इसके अंदर हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी से बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है। और फिर से ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इसको अच्छे से आपको इस आटे को 5-7 मिनट इस तरीके से अच्छे से आटे को फेंटना है आपको। तो थोड़ा सा पानी, ये देखिए अभी मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी और बचा है, वो पानी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखिए इतना ही बचा है, तो ये पानी भी इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये देखिए 1 कप पानी मैंने पूरा डाल दिया, ये देखिए 2 ही चम्मच बचा है। तो 1 कप पानी पूरा डाल के, और फिर आप देख लीजिए आपको कम लगे तो 1-2 चम्मच आप और डाल सकते हैं। तो ये 1 कप पूरा, जैसे 2 कप बेसन उसमें 1 कप पानी डाला है, तो ये मेजरमेंट आपको एकदम परफेक्ट है। अब अच्छी तरीके से 5-7 मिनट आपको इस तरीके से इसको अच्छे से फेंटना है, तो इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है, एकदम लाइट कलर आ जाएगा। और आपके जैसे ही आप जैसे भाई पपड़े बना रहे हो या गठिया बना रहे हो, वो बहुत ही अच्छा एकदम खस्ता कुरकुरा बन के तैयारी होगा। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसको 5-7 मिनट अच्छे से फेंट लिया, और अब इसको रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी करते हैं। तो अब देखिए मैंने ये मशीन ली है, मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी आप जैसे दूध की थैली या नमक की थैली, वो थैली ले लीजिए, और थैली के अंदर हल्का सा ऑयल वगैरह लगा लीजिए, और फिर उसमें बरकी एक जैसे कोन जैसे, और नीचे से जितना मोटा आपको गंठिया बनाना है उस हिसाब से कट लगा दीजिए। तो ये मशीन है, तो मशीन को सबसे पहले देखिए अंदर इसके अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हो। तो पूरी मशीन के अच्छे से आपको तेल लगा लेना, तेल या घी जो भी है इसको चिकना कर लेना है। तो ये देखिए ये मैंने जाली लिए, और ये भी देखिए चिकना के लिए ये लिए, जो आपको डिजाइन बनाने उससे आप ले सकते हैं। तो अब नीचे से इसको ये बंद कर लेते हैं जाली, और फिर इसके अंदर
जो बेसन रखा था वो बेसन इसके अंदर डाल के और बना लेते हैं। ये तो एक देखिए बहुत ही आसान तरीका है, पर ये नहीं है तो भी आप थैली से आराम से बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। इस तरीके से ऐसी थैली से बन के तैयारी होगी। तो ये देखिए, तो अब ये चम्मच लिया, चम्मच के थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, तो जैसे चिकनी चिकनी होती है चम्मच, तो उनसे क्या आराम से बेसन डल जाता है, चिपकता नहीं है। तो इस तरीके से इसको फुल कर लेते हैं, भर लेती हूँ एकदम। तो ये देखिए पूरी मैंने दबा की और भर लिए, अब इसको कर लेते हैं बंद। तो इस तरीके से अच्छे से आपको बंद करनी है, कहीं पूरी बंद नहीं होती है, तो जैसे ऊपर से दबाते हैं तो वो तेल में खुलने का भी एक डर रहता है, तो अच्छे से इसको बंद कर लेना है। तो ये देखिए इधर मैंने पहले से तेल गरम रख दिया, तेल देखिए आप पहले देख लीजिए थोड़ा सा डाल के, तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम को लो या मीडियम कर दीजिए, क्योंकि फुल फ्लेम पे आप जैसे ये गंठिया बना के तैयारी करोगे तो जैसे ऊपर से तो इसका कलर अच्छा आ जाएगा, अंदर से ये क्रिस्पी नहीं होगा, अंदर से अच्छा नहीं सिकेगा, तो ये गंठिया हार्ड हो सकता है। क्योंकि लो मीडियम पे आप बना के तैयारी करोगे तो इतना क्रिस्पी बने की तैयारी होगा ये। तो इस तरीके से देखिए जितना आए एक बार में, जितना कढ़ाई में आए उतना ही डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और थोड़ा सा देखिए ये गंठिया वगैरह बना रहे हो तो चौड़े पिंधे की कढ़ाई होती है, तो उसमें देखिए आराम से बहुत ही अच्छे से बनता है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ा सा ये देखिए सिकने के ऊपर देखिए हल्का सा ऊपर भी आ गया तेल के, और पहले से फूल की भी ये डबल हो गए। जैसे ये फूल की डबल हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये देखिए कितना क्रिस्पी बन के तैयारी होगा। तो जैसे एक साइड से हल्का इसका कलर अच्छा आ गया, तब इसको इस तरीके से पलट देना है आपको। तो इस तरीके से पलट के, और लगभग इसको 5-7 मिनट आपको एक बार सिकने में लगेगी, और बहुत ही अच्छे से प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से ये सिक्की भी तैयारी हो जाएगा, तो तब आपको ये निकाल लेना। इस तरीके से सारे गंठिया बना के तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, और जैसे मैंने डाला उनसे डालने के बाद में जैसे पका तो ये डबल हो गया सिक्की। तो इस तरीके से देखिए मैं सारा गंठिया बना के तैयारी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने इतने गंठिया बनाया, और इतनी थोड़ी सी मैंने पापड़ी भी बनाई, बहुत ही अच्छा बनाए, बहुत ही क्रिस्पी बनाए। तो इस तरीके से आप भी बनाइए, और वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।